wanted. Hello guys, welcome to Bollywood Tush and Most Wanted, जहां आपके लिए लेकर आएंगे बॉलीवुड की ताजा ताजा खबरें। सलमान खान और आलिया भट्ट की इंशाअल्लाह के लिए तो हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें, इंशाअल्लाह के जो म्यूजिक राइट है वो 30 करोड़ में बिक गए हैं। जी हाँ, सुनने में आ रहा है कि सारेगामा म्यूजिक ने इसको खरीद लिया है, और अगर सारेगामा म्यूजिक ने खरीद लिया है तो हो सकता है इसमें पुराने गानों का भी रीमिक्स हो। अब ये तो संजय लीला बंसाल ही बता सकते हैं, क्योंकि उनका जो म्यूजिक होता है उसमें तो मैजिक होता है। अभी वो क्या करने वाले हैं, पुराने गाने करेंगे या नए गाने करेंगे, इसके लिए तो हमें वेट करना पड़ेगा। और आप ये सोचिए कि इंशाअल्लाह कि अगर 30 करोड़ में म्यूजिक राइट्स बिक गए हैं तो ये मूवी कितना कमाने वाली है। वैसे सुनने में आ रहा है कि आलिया भट्ट इस मूवी के लिए अपना वजन बढ़ाने वाली है। जी हाँ, आलिया भट्ट सलमान खान के साथ काम करने के लिए इसमें वजन बढ़ाएंगी। वैसे आलिया भट्ट जो भी किरदार करती हैं, जो भी कैरेक्टर करती हैं, वो कुछ अलग हटके होता है। वो जो भी उनका जितनी मूवीज़ हैं वो सब कैरेक्टर्स कुछ अलग होते हैं। तो अभी इसमें भी हमें देखना होगा कि आलिया भट्ट कैसी दिखने वाली है ऑन स्क्रीन सलमान खान के साथ। अक्षय कुमार इस साल हिट फ्रेंचाइजी हाउसफुल का 4th भाग लेकर आ रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि आज अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर हाउसफुल 4 का एक पोस्टर शेयर किया, जिसमें सारी कास्ट नज़र आ रही है। और चौंकाने वाली बात यह है कि केवल खोपड़ी से बनी एक कुर्सी पर बैठे हैं सारे लोग। और अक्षय कुमार ने जो कैप्शन भी शेयर किया है वो भी कुछ मिलता जुलता है। अक्षय कुमार ने लिखा है, हाउसफुल ऑफ थ्रोन्स, कौन मरेगा कौन जिएगा ये तो मूवी की स्क्रिप्ट ही बताएगी। सलमान खान और कैटरीना कैफ की भारत फिल्म के लिए तो हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो कि 5 जून इसी साल आने वाली है ईद के मौके पर, और इसको अली अब्बास जफर ने डायरेक्ट किया है। वैसे फिल्म की कुछ डिटेल सामने आई हैं। अगर हम बात करें भारत की लेंथ की, तो भारत की टोटल फिल्म की लेंथ होगी 2 hours 35 minutes, जिसमें कि सलमान खान के 5 कैरेक्टर्स की जर्नी को दिखाया गया है। साल 2018 में बाजार के अलावा सैफ अली ने अपनी वेब सीरीज सेक्रेट गेम्स में जो किरदार निभाया था वो लोगों को बहुत पसंद आया था। वैसे आपको बता दें आज उनकी फिल्म का नया पोस्टर आया है, जिसका नाम है लाल कप्तान। ये फिल्म भारत के इतिहास में नागा साधु के जीवन शैली पर दर्शाया। खास की मोस्ट अवेटेड फिल्म साहू से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, हमारे फेवरेट प्रभास ने आज इंस्टाग्राम पे एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया है कि कुछ सरप्राइज देने वाले हैं कल, तो हमें उसके लिए वेट करना पड़ेगा। हो सकता है साहू का कल ट्रेलर आने वाला हो, सो वी हैव टू वेट फॉर दैट सरप्राइज। तो ये थी बॉलीवुड टशन की मोस्ट वांटेड खबरें। तो ऐसे ही रोज मैं लेकर आऊंगी आपके लिए मोस्ट वांटेड खबरें, क्योंकि जो मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप के भी नहीं सुनती। तो आपको कैसी लगी बॉलीवुड टशन की मोस्ट वांटेड खबरें, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और बॉलीवुड टशन को सब्सक्राइब करें।